हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वह है क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 11.4, क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशंस 60 सेंटीमीटर बाय 54 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशंस आपको किस तरह से दे रखें, 60 सेंटीमीटर बाय 54 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। यानी यह है लेंथ इज 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 54 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 30 सेंटीमीटर। फिर कहा कि इसके अंदर कितने क्यूब्स रखे जा सकेंगे, यानी क्यूबॉइड में कितने क्यूब्स रखे जा सकेंगे, ऐसे क्यूब्स जिसकी की साइड क्या है 6 सेंटीमीटर है, ऐसे कितने क्यूब्स इस क्यूबॉइड में रखे जा सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, तो अगर हम फिगर से समझें तो ये है हमारा एक क्यूबॉइड, ठीक है, जिसका डायमेंशंस आपको दिया है लेंथ इज 60 सेंटीमीटर, द ब्रेथ इज 54 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहा है कि इसमें कितने स्मॉल क्यूब्स, यानी इसके अंदर हमें छोटे छोटे क्यूब्स रखने, ठीक है। और ये जो क्यूब है इसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्यूब, इस तरह के हमें क्यूब्स इसके अंदर रखने हैं। तो ऐसे कितने क्यूब्स इसके अंदर रखे जा सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, जैसे जैसे हम इसमें क्यूब्स रखते जाएंगे, ये क्या है वॉल्यूम, यानी क्यूबॉइड का पूरा वॉल्यूम क्या करेगा, घेरना शुरू कर देगा। जब कंप्लीट वॉल्यूम ये सारे क्यूब्स घेर लेंगे तो उतने ही क्यूब्स, यानी फिर उसमें जगह बचेगी नहीं रखने की, तो जितना वॉल्यूम उन सारे क्यूब्स का होगा उतना ही इस बड़े क्यूबॉइड का होगा, ठीक है। तो अब किस तरह से हम निकालेंगे कि जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम और उसके अंदर जो क्यूब्स रखे गए हैं उसका वॉल्यूम, यदि हम दोनों को डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ क्यूब्स जो हैं वो हमें पता चल जाएंगे, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, तो सॉल्यूशन में देखिए, इन क्यूबॉइड लेंथ कितनी है हमारी 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 54 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो निकलेगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट से, द लेंथ इज 60 सेंटीमीटर इनटू बी, ब्रेथ इज 54 और हाइट जो है वो 30 और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व मत कीजिए, इसे ऐसे ही रख दीजिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, जब हम नंबर ऑफ क्यूब्स निकालेंगे तो ये सारे इससे 6 से कटते जाएंगे, तो इसीलिए हम इसे मल्टीप्लाई ना करें, इसे ऐसे ही छोड़ दें। इसी तरह से इन क्यूब में आपको साइड कितनी दे रखी है, साइड इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका भी वॉल्यूम निकालना हमें, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, ये था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है साइड इनटू साइड, ठीक है। द साइड इज 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। और अब हमें निकालना है नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड, ठीक है। तो वो कितना है, ये जो पूरा है ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड
अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है ओके। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है हमारा, ये 60 × 54 × 30 अपॉन, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो 6 × 6 × 6 × 6। अब ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, जैसे 6 से 6 वन जा और 0 का 0, ठीक है, और 6 9 जा 54 और 6 5 जा 30, तो हमारे पास क्या आया 10 × 9 × 5, और इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 9 × 5 = 45, 45 × 10 यानी 450, ठीक है। तो 450 क्यूब्स क्या है इसके अंदर प्लेस किए जा सकते हैं, ठीक है। सो 450 क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।